कुछ और भी हैं औरत के, खाब कुछ और भी हैं औरत के, मर्द बच्चा मकान, ये तीन। आज की कहानी है हरियाणा की रहने वाली अनिता भारद्वाज की, जिन्होंने हमेशा से ही अपने हक के लिए आवाज उठाई। छोटे से शहर महम में जन्मी अनिता ने यहीं से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। उस वक्त उनके शहर में लड़कियों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। वहीं 12वीं की पढ़ाई के बाद जब उन्होंने आगे पढ़ाई करने की जिद पकड़ी तो दादी, चाचा और बुआ ने उनका साथ दिया। बुआ ने ही उनके पिता को आगे की पढ़ाई के लिए मनाया। फिर साल 2009 में अनिता दिल्ली आ गई। यहीं से उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा ली। दिल्ली जैसे बड़े शहर आने के बाद उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए उन्होंने अपना ज्यादा से ज्यादा समय किताबों के साथ गुजारा, जिसके बाद धीरे धीरे अनिता ने अपनी पर्सनालिटी पर भी काम किया। फिर साल 2011 में उन्होंने अपना डिप्लोमा पूरा कर दिल्ली MCD के स्कूल में टीचर के तौर पर काम करना शुरू किया। इसी दौरान उन्हें अपने एक साथी से प्यार हो गया। फिर शादी के लिए उन्हें अपने घर वालों से बगावत करनी पड़ी, यहाँ तक कि उन्हें ससुराल वालों ने भी नहीं अपनाया। शादी के एक साल बीतने के बाद ही माँ बन गई। फिर धीरे धीरे हालात बद से बदतर होते गए और उनका काम बंद करवा दिया गया। इन सब के अलावा और भी कई यातनाओं का उन्हें सामना करना पड़ा। लेकिन फिर जब आत्मसम्मान और अपनी खुददारी की बात आई तो अनिता ने अपने बेटे का हाथ थाम एक झटके में ससुराल छोड़ दिया। फिर उन्हें उनके पिता का साथ मिला, जिन्होंने पुरानी सारी नाराजगी परे रखकर उन्हें हिम्मत दी। अनिता ने एक नई शुरुआत करते हुए अपने क्राफ्ट के काम को बिजनेस में तब्दील किया। साथ ही एक स्कूल ज्वाइन किया जहाँ वो स्पेशल बच्चों को पढ़ाने लगी। इसके बाद उन्होंने औरतों के दर्द और बेटियों के पैदा होने पर गाई जाने वाली सोहर लिखी, जो आज हरियाणा की हर बेटी के लिए गाई जाती है। उनकी लेखनी के लिए कई संस्थानों ने उन्हें सम्मानित भी किया। अनिता अब स्पेशल बच्चों के लिए एक संस्था शुरू करना चाहती हैं, जिस पर उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। क्योंकि सच करीब से दिखता है।